प्रणाम, मैं हूं महायोगी सत्येंद्रनाथ। अक्सर एक शिष्य जब अपने गुरु के पास जाता है और वहां थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उस ज्ञान की पूर्ति के लिए कई बार वो किसी दूसरे गुरु के पास भी चला जाता है और वहां पर थोड़ा सा ज्ञान उनसे भी प्राप्त कर लेता है। और जब वो दोनों गुरुओं के पास आता जाता रहता है तो अक्सर एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। एक गुरु जब दूसरे गुरु की आलोचना करता है तो शिष्य बड़े भ्रम में पड़ जाता है। वो ये जान नहीं पाता कि उसके लिए कौन सा गुरु श्रेष्ठ है और उसे क्या करना चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। आपका ही एक प्रश्न आया है कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि पहले तो अपने मन को टटोल कर देखो। इस संसार में तो हजारों गुरु हैं, लाखों करोड़ों गुरु हो सकते हैं, लेकिन सब के सब तुम्हारे लिए नहीं बने। तुम सबसे प्रीत नहीं कर सकते हो। तुम तो केवल एक ही गुरु के पास जा सकते हो, उसी के हो सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रेमिका से प्रेम का घटित होना, क्योंकि मूलतया तुम अपने जीवन में जिस भी विषय को और जिस भी वस्तु को पसंद करते हो उन सब के पीछे मूल में केवल प्रेम ही छिपा रहता है। जिस गुरु को पहली नजर में देखते ही तुम्हें प्रेम हो जाए, केवल उसी गुरु के पास तुम्हें रहना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अथवा कोई दूसरा गुरु तुम्हारी गुरु की निंदा करे और तुम्हें क्रोध आने लगे तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें अपने गुरु के प्रति प्रेम नहीं उपजा है, वो समर्पण नहीं है। क्योंकि क्रोध उत्पन्न होना इस बात की गवाही देता है कि तुम्हें अपने गुरु पर 100% विश्वास नहीं है, तुम उनसे प्रेम नहीं करते। इसलिए जब कोई व्यक्ति अथवा समाज या कोई दूसरा धर्म गुरु तुम्हारे गुरु के विरुद्ध कुछ कहता है तो तुम्हें बड़ी गहरी चोट लगती है, और जब तुम्हें चोट लगने लगे तो सावधान हो जाना, समझ लेना कि अभी तुम अपने गुरु को समझ ही नहीं सके, अभी तुम्हें अपने गुरु से प्रेम हुआ ही नहीं है। इस घटना को जरा सूक्ष्मता से समझना। एक प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो वो प्रेमिका का ज्यादा विश्लेषण नहीं करता। वो ये नहीं देख पाता कि क्या वो सबसे सुंदर इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन प्रेमी को वही सबसे सुंदर प्रतीत होती। उसमें लाख बुराइयां भी हो लेकिन प्रेमी को वो नजर नहीं आती, उसे केवल गुण ही गुण नजर आते हैं। जब कोई प्रेम में पड़ता है तो उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, वो अपने प्रिय और प्रियतम के सिवा इस सृष्टि में किसी दूसरे के प्रति वो स्नेह और वो भावना उत्पन्न नहीं कर पाता जो अपने प्रियतम के प्रति उत्पन्न करता है। ये एक सहज प्रक्रिया है। जब मोहब्बत में कोई युवक पूरा तन मन धन समर्पित करता है और उस युवक को जाकर यदि तुम कहो कि अरे भाई तुम तो गलत लड़की के चक्कर में हो, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो देखने में सांवली है, वो उतनी चालाक और चतुर नहीं है, वो तुम्हारे घर को नहीं संभाल पाएगी, तो क्या वो युवक तुम्हारे उस बात पर यकीन कर लेगा? चाहे जगत एक तरफ हो जाए, समाज परिवार एक तरफ हो जाए, लेकिन वो उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाता, उसे उन तथ्यों पर यकीन नहीं हो पाता। ये तो एक साधारण प्रेम की बात है जो कि मानवीय धरातल पर घटित होने वाला है।
जब तुम अपने गुरु से जुड़ते हो तो उनके साथ जो प्रेम घटित होता है वो तो इस भौतिक प्रेम से भी ऊपर का प्रेम है। वहां तो पवित्रता है, दिव्यता है, अध्यात्म की उच्चता और गरिमा भी है। तो ऐसी स्थिति में ये तो बहुत अच्छा है कि समाज तुम्हारे गुरु के विरुद्ध कहे, ये तो बहुत ही उत्तम है कि कोई दूसरा गुरु तुम्हारे गुरु के विषय में कहे, ताकि इस बात का पता चल सके कि क्या तुम पक्के शिष्य हो अथवा नहीं। अक्सर जो कच्चे शिष्य होते हैं वो इसी कारण टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु से प्रेम नहीं है, वो गुरु के ज्ञान और गरिमा को नहीं जानते, वो तो गुरु को एक वस्तु की तरह देखते हैं। इसलिए जब तक उन्हें लगता है कि ये वस्तु उनके काम की है वो गुरु के पास रहते हैं। जिस दिन वो वस्तु बेकार लगने लगे तत्क्षण उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए अक्सर गुरुओं को हानि पहुंचाने वाले, उनके विरुद्ध बोलने वाले शिष्य वही कच्चे शिष्य होते हैं जो गुरु के पीछे देखा देखी में चल पड़ते हैं। उनके भीतर अध्यात्म की कोई रुचि नहीं है, उनके भीतर कोई गहनता नहीं है, वो विषय को गहराई से नहीं समझते, और यदि समझते भी हैं तो केवल ऊपरी मन से, उसमें कहीं प्रेम जैसी कोई घटना नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपने गुरु से प्रेम हो गया, क्या उस दिन तुम इस बात पर यकीन करोगे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम्हारा गुरु वो चरित्रहीन है, तुम्हारे गुरु में वो गुण नहीं है जो होने चाहिए, तुम्हारा गुरु उतना पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है? तुम इन सब के आकलन में नहीं पड़ सकते। तुम एक प्रेमी की तरह विशुद्ध दृष्टि से देखते हो। तुम्हें तुम्हारा गुरु ही संपूर्ण सृष्टि में सबसे उत्तम, सबसे सुंदर और सबसे दिव्य प्रतीत होता है। ये तुम्हारे प्रेम की घटना है। अन्यथा यदि प्रेम जैसी घटना नहीं है तो बड़े से बड़ा गुरु, यहां तक कि स्वयं भगवान शिव भी गुरु रूप में यदि तुम्हारे सम्मुख हो तो तुम्हारे लिए वो सब शून्य है, वो किसी काम का नहीं है, तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने शंकाओं को बाहर व्यक्त करो, और उन शंकाओं के पीछे जो अज्ञात में छिपे हुए तत्व हैं, तथ्य हैं, उनको जानने का भी प्रयास करो। आज तुम एक गुरु के पास जाते हो, कल तुम दूसरे गुरु के पास जाते हो, इससे तब कोई अंतर नहीं पड़ता जब तुम अपने गुरु के प्रेम में रंग गए हो। जिस दिन तुम्हें प्रेम हो जाता है उस दिन हजार गुरु भी यदि तुम्हें अपनी ओर आकृष्ट करें तुम आकृष्ट नहीं हो पाते। तब गुरु के मध्य लड़ाई नहीं होती। ये लड़ाइयां तभी तक हैं जब तक प्रेम नहीं है। जो ही गुरु शिष्य के मध्य प्रेम हो गया तो ये ऊपरी झगड़े ये समाप्त होते चले जाएंगे, ये निर्मूल होते चले जाते हैं। मान लिया जाए कि दो अलग अलग तरह के संत हैं। अब यदि तुम उन संतों का आंकलन करते हो कि कौन बड़ा और उसकी तरफ जाते हो तो इसका मतलब है तुमने गुरु को जाना ही नहीं, तुमने ज्ञान को जाना ही नहीं, तुमने साधना भक्ति को जाना ही नहीं, तुम तो केवल वस्तु के रूप में गुरु को जान रहे हो, क्योंकि तुम अहंकारी हो। और तुम्हारे अहंकार को यह कहां स्वीकार होगा कि तुम जैसा विराट व्यक्तित्व, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्तित्व और तुम्हारा गुरु वो कम हो? तुम्हारा अहंकार इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता। वो तो ये चाहता है कि जितने महान तुम हो तुम्हारा गुरु उससे कम से कम हजार गुना महान तो होना ही चाहिए, और तुम्हारा गुरु ऐसा हो कि उससे बड़ा इस पृथ्वी पर फिर कोई दूसरा गुरु ना हो। अध्यात्म कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अध्यात्म कोई झगड़ा या झंझट नहीं है दुनिया की तरह कि यदि तुम्हारे पड़ोसी ने कोई बड़ी सी गाड़ी खरीद ली है तो तुम्हें उससे भी सुंदर खरीदनी होगी।
अध्यात्म में यदि तुम ऐसी प्रतिस्पर्धा करते हो तो तुम नष्ट हो जाते हो, तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए भले ही तुम मूल गुरु के पास हो, लेकिन यदि तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास है, उनसे तुम्हें प्रेम है, तो उन्हीं के पास रहना, तब तुम सब कुछ प्राप्त करने लगोगे। मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मेरा अनुकरण करने की जरूरत नहीं, किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। एक ही गुरु जिससे तुम्हारा मन लग जाए, जहां तुम्हारा मन झुक जाए, तो एक बार जब प्रेम हो जाएगा तो इस तरह के संदेह उत्पन्न ही नहीं होते। तुम जहां भी रहते हो अपने गुरु के ही रहते हो। जिस बात की शुरुआत करते हो वो गुरु ही होता है, और जिस बात पर अंत करते हो वो बात भी गुरु की ही होती है। इसलिए इन तथ्यों में अपने आप को परेशान न करना। इन तथ्यों में पढ़कर अपने आप को भ्रमित न करना। और अक्सर हम इन छोटे छोटे तत्वों में ही फंसे रहते हैं, और ये बातें छोटी जरूर प्रतीत होती हैं, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं होती। आज बड़े बड़े संप्रदायों में यदि झगड़े हैं तो केवल इसीलिए कि किसका गुरु बड़ा, और गुरुओं को लड़वा रहे हैं। वास्तव में वो गुरु नहीं लड़ रहे, लड़ता तुम्हारा अहंकार है। वो अहंकार जितना बलशाली होगा तुम उतने ही बड़े लड़ाके हो जाओगे। जबकि गुरु तो तुम्हें प्रेम सिखाते हैं, वो तो तुम्हें विनम्रता सिखाते हैं। गुरु तो कहते हैं कि तुम केवल अपने अध्यात्म की ओर और अपने तथ्य की ओर ही ध्यान रखो, बाहर इंद्रियों को व्यर्थ ना ले जाओ, लेकिन तुम फिर घूमकर इन्हीं सामाजिक बातों पर लौट आते हो। लेकिन यहां एक गहरी बात भी मैं कहना चाहता हूं, खुद ये सभी संत चाहते हैं। जो भी गुरु आत्मज्ञानी होता है, परमहंस अवस्था तक पहुंच गया होता है, वो तो ये चाहता है कि लोग उसकी बुराई करें, लोग तुम्हें तुम्हारे गुरु के खिलाफ कहें, तो गुरु प्रसन्न होता है। वो इसलिए क्योंकि गुरु ये चाहते ही नहीं कि तुम जैसा कच्चा शिष्य उनके पास रहे। ये एक तरह की प्रकृति की व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्था नहीं है, ये भगवान शिव की व्यवस्था है, ताकि कच्चे और व्यर्थ के शिष्य जो केवल गुरु का शोषण कर रहे हैं वो जल्द ही टूट कर बिखर जाए, और केवल वास्तविक शिष्य ही गुरु के पास रह सके। विश्वासी और पात्र शिष्य ही जब शेष रहता है जो अपने गुरु से प्रेम करता है, तो अंत में केवल वही गुरु से कुछ प्राप्त कर पाता है। इसलिए दो गुरुओं के बीच में पड़ना गेहूं के दानों की तरह है, कि तुम यदि इस झंझट में पड़ते हो तो तुम पिस जाते हो, लेकिन यदि तुम उस छोटे से कीट की तरह रहते हो जो धुन है, जो गेहूं को लगा रहता है, तो वो दोनों पाटों के बीच में से भी सुरक्षित बाहर निकल आता है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी ढाल है। उस दिन भले ही तुम्हारे गुरु से सुंदर करोड़ों गुरु हों, लेकिन तुम्हें तो सबसे सुंदर अपना ही गुरु लगता है। उस दिन भले ही तुम्हारे गुरु से ज्यादा बड़े तपस्वी गुरु संसार में हों, लेकिन तुम्हारा चित्त तो केवल अपने गुरु में ही लगता है। जब प्रेम जैसी घटना घटित होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेम किया नहीं जाता, वो हो जाता है। ठीक गुरु शिष्य के बीच का संबंध ऐसा ही गहरा है। इसे इसी पंक्ति और इसी वाक्य से समझने का तुम प्रयास करना कि जब तुमने गुरु को देखा और तत्क्षण तुम गुरु के हो गए, तो समझ लेना ये गुरु तुम्हारे लिए ही बने। जैसे संसार में करोड़ों स्त्रियां हैं, लेकिन प्रेमी केवल अपनी एक प्रियतमा को वैसे चुन लेता है जैसे सागर में अनेक मोती हैं, लेकिन किसी का अपना एक सुंदर सा मोती उसे प्राप्त हो गया। फिर बड़े से बड़ा सौंदर्य उसे डिगा नहीं सकता, बड़े से बड़ा लोभ उसे डिगा नहीं सकता। इसीलिए जब तुम गुरु का वर्ण कर लेते हो, गुरु का चयन कर लेते हो, उनके प्रेम पाश में बंध जाते हो, तब ये बातें आती ही नहीं है। ये सब बातें केवल तभी तक हैं जब तक तुम इस रिश्ते की पवित्रता को,
इसकी गंभीरता को नहीं जानते हो। और इसकी गंभीरता दो तरह से तुम्हारे भीतर आती है, एक तो पैतृक भी है कि पारंपरिक रूप से सदियों से जब तुम गुरु शिष्य परंपरा में चलते आ रहे हो तो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे अवचेतन में गुरु शिष्य परंपरा के प्रति गहरी निष्ठा होती है। तो जो ही तुम्हें तुम्हारे लायक गुरु मिल जाता है तो तुम उससे प्रेम कर बैठते हो। फिर वो गुरु चाहे जमीन पर नंगे बदन बैठने वाला क्यों ना हो, एक रूखी सी रोटी नमक के साथ खाने वाला क्यों ना हो, भले ही उस गुरु का नाम बड़ा विख्यात नाम क्यों ना हो या वो गुमनाम क्यों ना हो, इससे तुम्हें कोई अंतर फिर नहीं पड़ने वाला। समाज उस गुरु को चाहे पत्थर मारे, चाहे उसका अपमान करे, चाहे उसे प्रताड़ित करे, लेकिन तुम उसके होकर रह जाते हो। और ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य के बीच एक अज्ञात संप्रेषण होता है जो ज्ञान के शिखर पर ले जाने में बहुत सहजता से सहायता करता है। इसलिए तुम्हें इस तथ्य को गहराई से समझना होगा, बाकी तथ्यों को छोड़ दो। लेकिन जब तुम सांसारिक रूप से गुरु का मूल्यांकन करने लगोगे तब तो यह संभव है कि तुम पहले ये देखो कि तुम्हारे गुरु कितने बड़े गुरु हैं, वो कितने प्रख्यात हैं, कितने देशों में उन्हें जाना जाता है, कितने लोग उन्हें मानते हैं, उनका बुद्धि विवेक क्या है, उनका सौंदर्य क्या है। ये सब बाह्य वृत्तियां केवल तब तक है जब तक तुम छलकते रहते हो। इसलिए तुम्हें केवल उस गुरु के पास जाना है जहां तुम्हारा चित्त लग जाए। इसलिए गुरु धारण करने में या गुरु बनाने में तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं तो कहता हूं जब से लेकर तुम पैदा हुए हो तब से लेकर आखिरी सांस तक भी यदि तुम्हें कोई गुरु पसंद ना आए, तुम्हारा मन यदि किसी गुरु में ना लगे तो गुरु बिल्कुल मत बनाना, अध्यात्म की ओर जाना ही मत, अध्यात्म को गैर जरूरी समझना, समझना कि ये सब व्यर्थ की बातें, तुम्हारे लिए या मेरे लिए इसमें कोई सार है ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार बात है, कोरी गप है। लेकिन जिस दिन किसी दिव्य मूर्ति को देखकर तुम्हें आकर्षण होने लगे, तुम्हें उस गुरु की बातों में सत्य का अनुभव होने लगे, लोग तुम्हारे गुरु की बुराई भी करे लेकिन तुम्हें उनकी हर बात में अच्छाई ही नजर आने लगे, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारे और गुरु के मध्य कुछ गहरा घटित हो रहा है, अब तुम गुरु धारण के लायक हो गए हो। यदि आखिरी श्वास से पहले भी ये घटना घट जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर एक क्षण के लिए भी गुरु के पास रहना तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला होगा। ऐसे तो तुम हजार गुरु धारण करो, करोड़ों बार सत्संग कर लो, हजारों बार तपस्या कर लो, हिमालय में नंगे बदन घूमते फिरो, तपस्या का ढोंग और आडंबर कर लो, बड़ी बड़ी मालाएं और तिलक लगा लो, गुरु के नाम पर बड़े बड़े सत्संग और बड़े बड़े आयोजन करो, लेकिन सब बेकार हैं, सब व्यर्थ हैं, क्योंकि इन सब तथ्यों के पीछे प्रेम नहीं है। शिष्य अपने गुरु को भगवान कहता है और वही शिष्य कह सकता है जिसे प्रेम हो जाए। कहते तो चापलूस शिष्य भी हैं लेकिन उनकी चापलूसी अधिक दिन तक नहीं चलती, 2-4-5-10 वर्षों में उनका रंग साफ निखर आता है। अक्सर ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति एक गुरु की निंदा करता है वो दूसरे की भी करेगा। और कुछ लोग पैदाइशी ऐसे होते हैं जिनका काम ही केवल छल कपट है, वो मूल रूप से वृत्ति ही उनकी काल नेमियों वाली होती है। ऐसे लोग आज एक गुरु के पास रहेंगे और कुछ दिनों बाद उसी के विरुद्ध समाज में प्रचार करना शुरू कर देंगे। ऐसे दुष्ट काल नेमियों से बचे रहना चाहिए क्योंकि ये इतने घातक जीव हैं कि चाणक्य ने कहा था कि ऐसे दुर्जन व्यक्ति एक तरफ और कालकूट विष से भरपूर काला नाग या सर्प एक तरफ, क्योंकि सर्प तो एक बार डसेगा लेकिन ये दुर्जन प्रतिपल डसते रहते हैं। हालांकि इससे आध्यात्मिक व्यक्तियों को कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि वो उनका स्वभाव है, उनका काम है, वो करेंगे।
जिस पुष्प में दुर्गंध भरी हो और आप उसे मसल दें और ये सोचें कि इसके बाद सुगंध उठेगी, तो ये संभव ही नहीं है। वो बना ही दुर्गंध से है, तो दुर्गंध ही छोड़ेगा। और जो पुष्प सुगंध से बना है, यदि उसकी एक पंखुड़ी को भी तुमने मसल दिया, तो तुम्हारे हाथ से घंटों उसकी महक आती रहेगी। इसलिए तुम इस विवाद में ना पड़ना, इस प्रपंच में ना पड़ना। ये तुम्हारी जिज्ञासा थी, इसलिए मैंने उत्तर देना जरूरी समझा। लेकिन इसका सार वो तो केवल इतना है कि तुम सभी गुरुओं के पास जाओ, सभी को देखो, सभी को सुनो, गुजरते चले जाओ एक यात्री की तरह। कहीं ठहरना मत, ठहराव नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जीवन में। तुम उन्मुक्त पंछी की तरह गगन में उड़ान भरते हुए उड़ो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे लायक गुरु नजर तुम्हें आ जाए, घटना स्वयं घट जाएगी और तुम्हें पता भी न चलेगा कि कब तुम अपने गुरु के प्रेम पाश में बंध गए। उस दिन गुरु हजारों महाद्वीपों के उस पार भी हो, घोर कंदराओं वनों हिमालयों पर भी क्यों ना रहता हो, भूमिगत कंदराओं और गुफाओं में ही क्यों ना छिपा हुआ, तुम मेहनत करके भी उस गुरु तक पहुंच ही जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेम है। उस दिन तुम्हें तुम्हारे गुरु के भीतर साक्षात ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। तब गुरु शिष्य का संबंध ये इस प्रकृति से उस पार का नैसर्गिक हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, परा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, और वही प्रेम सत्य रूप हो जाता है। उस दिन जो उपनिषदों ने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध इस पृथ्वी का सर्वोच्च संबंध है, तब वो संबंध वास्तविकता के धरातल पर रूपांतरित होने लगता है। इसलिए केवल प्रतीक्षा करो उस दिन की, उस घटना की, जिस दिन तुम्हें एक ऐसा गुरु मिल जाए जिसकी छवि देखते ही तुम्हारा हृदय कहने लगे, आह कि आज मैंने उस गुरु को ढूंढ लिया जिसकी तलाश में सदियों से कर रहा था। फिर तुम्हें गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, रास्ते खुद ब खुद मिलने लगेंगे। तुम्हारे मन में ऐसी तरंगे उठेंगी कि जब तक तुम गुरु से मिल ना लो, तुम एक क्षण ठहर ना पाओगे। फिर ये समाज, परिवार, कोई तुम्हें क्या रोक सकेगा, क्योंकि तब तुम कच्चे शिष्य नहीं होंगे। तब तुम्हें समाज भड़काए, लोग भड़काए कि ये गुरु उस लायक नहीं है जिस लायक तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम ठहरने वाले कहा हो। तुम उन्मुक्त गंगा की तरह बहोगे कि क्योंकि तुम्हें मिलना तो आखिर सागर में ही है। इसलिए केवल अपने हृदय को निहारो, गुरुओं की तुलना ना करो। तुम्हें तुम्हारे लायक गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन अवश्य सुंदर हो जाएगा। अभी के लिए इतना है। ओम नमः शिवाय।